वेलकम टू संजीता शो दी एपिटाइजर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संजीता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दी एपिटाइजर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ एक बंगाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक स्वीट पकोड़ा की रेसिपी है और इसे हम पाम फ्रूट से बनाने वाले हैं। तो आज की रेसिपी का नाम है पाम पकोड़ा। तो रेसिपी को फुल तक जरूर देखें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाम पकौड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पर पाम फ्रूट ले रही हूँ। इसके साथ मैं यहाँ पर दो केला ले रही हूँ, साथ में मैदा, सूजी, चीनी और तेल ले रही हूँ। मैंने पाम फ्रूट को वॉश कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर वाले पोर्शन को रिमूव कर दूंगी। तो आप इसे केयरफुली रिमूव कर दें। अब मैं पाम फ्रूट के आउटर ब्लैक स्किन को रिमूव कर दूंगी। तो आप इस तरह से हाथों से खींचते हुए आप इसे रिमूव कर दें। वैसे ये बरसात के मौसम में इजली हमें मिल जाता है और ये बंगालियों का एक फेवरेट पकोड़ा होता है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें घर पर। मैंने इसके आउटर स्किन को रिमूव कर दिया है अच्छी तरीके से, ये देखिए। और अब मैं इसे हाथों से और फिंगर से प्रेस करते हुए इसे स्प्रेड कर दूंगी। नॉर्मली इसमें तीन या फिर दो ही आपको मिलते हैं। तो ये देखिए, मेरा जो है फ्रूट बड़ा था इसलिए मुझे यहाँ पर तीन मुझे मिले हैं बीज। तो मैंने इसे तीन भाग में ही स्प्रेड कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें स्प्रेड कर लेना है। अब मैं पाम फ्रूट का जूस निकालूंगी। तो इसके लिए मैं एक ग्रेटर ले रही हूँ। अब मैं इस ग्रेटर की मदद से अच्छी तरीके से पाम फ्रूट का जूस निकाल लूंगी। यह एक बहुत ही आसान सा वे है जिससे कि आपका पाम फ्रूट का जूस भी निकल जाएगा और इसके जो रेशे हैं वो पूरी तरीके से अलग भी हो जाते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी तरीके से हमारा जो है पाम फ्रूट का जूस निकल जा रहा है। तो आप इस तरीके से रगड़ते हुए आप इसके जूस को निकाल लें। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा जो है पाम फ्रूट का जूस निकल जा रहा है और इसमें थोड़ा सा भी रेशा नहीं है और हमें इसे इसलिए बाद में स्ट्रेन करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पाम फ्रूट का जूस को अच्छी तरीके से निकाल लिया है। अब मैं एक बॉल ले रही हूँ और इसमें हम इन दोनों केलों को छील कर डालेंगे। मैंने यहाँ पर जो केला लिया है वो बड़ा साइज का है इसलिए मैंने दो केला का यूज किया है। अगर आपके केले छोटे हों तब आप वहाँ पर तीन से चार केले ऐड करें। अब मैं यहाँ चीनी ऐड करूँगी। तो चीनी मैं यहाँ पर तीन बड़े चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा ऐड कर लें। और अब मैं इसे मैश्ड कर लूँगी। मैंने यहाँ पर चीनी को इसलिए ऐड किया है जिससे कि केला को मैश्ड करते हुए हमारा चीनी भी अच्छी तरीके से इसमें घुल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मैश्ड कर लिया है और अब मैं इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ, इसके साथ मैदा। मैं इसे थोड़ा मिक्स कर ले रही हूँ और अब मैं इसमें जो है पाम फ्रूट का जो जूस है इसे हम ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कप पाम फ्रूट का जूस लिया है तो मैंने इसे ऐड कर दिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मैं इसे हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे स्पैचुला या फिर कोई बड़ी वाली स्पून से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर एक और मैं आपको टिप दे देती हूँ कि आप चाहें तो यहाँ पर जो कोकोनट होता है उसे आप ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको ड्राई कोकोनट नहीं, कच्ची वाली जो कोकोनट होती है उसे आप ग्रेट करके आप हाफ कप इसमें ऐड कर दें। इससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तब आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब चलते हैं हम इसे फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर तेल ऐड कर रहे हैं तो हम इसे पहले तेल को गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम बैटर से पकौड़े शेप का हम छोटे छोटे बॉल्स बनाकर हम उसके फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पर चम्मच से बॉल्स बनाकर हम इसे फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो हाथों से भी आप डालकर फ्राई कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सुटेबल हो आप उस तरीके से आप बॉल्स बनाकर फ्राई करें। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप बॉल्स को तेल में डालें
तब आप अपने फ्लेम को लो पर रखें, अदरवाइज जो है आपके जो बॉल्स हैं वो बर्न हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट के बाद अब आप इसे टर्न कर दें और इसे दोनों साइड से अच्छी तरीके से आप इसे फ्राई कर लें। और इसे फ्राई करने के लिए आप लो एंड मीडियम फ्लेम का ही यूज करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पाम पकौड़ा फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसे एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लूंगी, जिससे कि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर पर एब्जॉर्ब हो जाए। और आप इसी तरीके से बाकी जो बचा हुआ बैटर है उससे आप पकौड़ा को बना लें। तो मैं अब इसे एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल रही हूँ, ये देखिए, और हमारा बन चुका है। पाम पकौड़ा बनकर तैयार है। और अब आप इसे ठंडा या फिर गर्म, आप इसे दोनों तरीके से आप इसे सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इससे पहले भी मैं बहुत सारी डेजर्ट रेसिपीज एंड पकौड़ा रेसिपीज अपलोड कर चुकी हूँ। मैं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी हर न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे चेक जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।